फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा निकाह व्लॉग, और हमारे यहाँ निकाह के मॉर्निंग में ऐसे नारियल पकड़ के गीत बोल के कुछ तो करते हैं, पता नहीं, आप देख लो, ये रस्म होती है, कोई कोकनीज में होती है, और गीत बोलते हैं और नारियल सर पे तोड़ते, ठंडा ठंडा पानी डालते, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग गई थी। के बाद फिर दुल्हन को जाके नहाना होता है और बाकी नमाज वगैरह पढ़ के रेडी होना होता है। पांच सुहागन औरतें होती है वो पकड़ती है, उसे कड़ा पकड़ना भी कहते हैं हमारे यहाँ। मैंने सुना है कि नवरी चवरती कड़ो पकड़ जाचो, ऐसा मैंने सुना है, वो होता है, और उसकी डिटेल्स मुझे पता नहीं, बस ऐसी होता है। तो मैंने आपसे शेयर किया ये वाला क्लिप। हमारे गाँव में ये वाली रस्म होती ही है शादी के सुबह। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी वाइट ड्रेस में। वाइट ड्रेस में निकाह हुआ था मेरा, और ये वाला टाइम अपने घर को छोड़ के जाने वाला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। मतलब अभी भी सोचती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वक्त होता है ये, हर लड़की के ऊपर आता है, और हर लड़की इस वक्त से गुजरती है और फील करती है। तो आप सब फील कर ही रहे होंगे कि कैसा वक्त था कि अपने घर को, जहाँ से हम बड़े हुए हैं, जहाँ से हमारी इतनी मेमोरीज़ है, और हमारे घर वालों को छोड़ के जाना कितना टफ होता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के घर जाती है, तो मेन जो विदाई हमारी होती है वो सुबह में ही होती है, जो मेन हम घर छोड़ देते हैं वो सुबह में ही छोड़ते हैं। तो ये वाली मेरी मेन विदाई थी, सब लोग रो रहे थे, और फिर उसके बाद डोली में बिठा के, मतलब मेरा घर रोड से पास में ही था, बस 2 मिनट की दूरी पर, लेकिन फिर भी मुझे डोली में बिठाया गया था, क्योंकि बिठाते ही है डोली में, वही एक दिन होता है जिसमें डोली में बैठने मिलता है आपको। तो डोली में ये सब मेरे भाई हैं जो डोली उठाए हैं, और वो भी रो रहे हैं, मतलब अभी भी मैं देख रही हूँ तो इतना इमोशनल फील हो रहा है। तो ये डोली कार तक लेके गए थे और फिर कार में बिठाए गए। इस वीडियो में ज़्यादा वॉइस ओवर तो मैं नहीं कर पाऊँगी, और म्यूज़िक लगाऊँगी बीच बीच में, आप लोग देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए शादी को। और ज़्यादा क्लिप्स शादी के भी नहीं हैं, कुछ कुछ क्लिप्स मैंने जमा किए हैं, इकट्ठे किए हैं, क्योंकि मैं ही दुल्हन थी और शूट मैं तो नहीं कर सकती थी, मैंने सबको दे दिया था करने, और वो भी कितना कर सकते बेचारे, शादी इन्जॉय करेंगे कि शूट करेंगे। तो थोड़े थोड़े बहुत क्लिप्स सब ने शूट किए हैं, वो मैंने सब मर्ज कर दिए हैं, और एक व्लॉग बनाया है निकाह का, शादी का। तो अब आ गई है डोली कार तक, और डोली से फिर उतार के मुझे कार में बिठाया जाएगा। Thank you.
फिर हम निकल चुके थे दूल्हे के घर जाने के लिए, और ये मेरे भाई सब गाड़ी को धक्का दे रहे हैं रोते रोते। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। वैसे तो भाई बोलते हैं हम तेरी शादी में नहीं रोएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रो ही देते हैं वो लोग। मतलब भाई बहन का बॉन्ड ही वैसा होता है। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे यहाँ दूल्हे के घर, और ये वक्त था साइन का निकाह नाम। मतलब यहाँ पे पूरी लाइफ हमारी जो है वो चेंज हो जाती है, नए ज़िंदगी की शुरुआत रहती है, कांपते हाथ होते हैं, कांपती रूह होती है, बहुत ही अलग फीलिंग होती है। मतलब जिनकी शादी हो गई है उन्हें पता होगा कि ये फीलिंग कैसी होती है। सच में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, और अलग से खुशी भी होती है और गम भी होता है। बस अल्लाह ताला सारी लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे, सबकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, सबकी शादीशुदा ज़िंदगियों को आसान कर दे और खुशियाँ नसीब करे। साइन वगैरह होने के बाद फिर मुझे लाया गया था बाहर हॉल में, घर के हॉल में बिठा के फिर वहाँ पे हाथ में चूड़ियाँ जो होती है, हमारे कोकनी में होता है कि निकाह के दिन सुबह में हरी चूड़ियाँ जो पहनाई जाती है, तो मुझे यहाँ पे हरी चूड़ियाँ, हरी और लाल चूड़ियाँ पहनाई जा रही है। तो चूड़ियाँ वगैरह पहना के जो हमारी ज्वेलरी होती है, जो हमारा लच्चा होता है, मंगलसूत्र जिसे हम लच्चा कहते हैं, वो या कोई नेकलेस हो, बैंगल्स हो, वो सारे पहनाते हैं। और दुल्हन को जो है वो सहरा पहनाते हैं। वो आप देखोगे आगे कैसा पहनाते हैं। 5 सुहागन यहाँ पे भी होती है, और उन सब को मिलके, मतलब वो सब मिलके सहरा बांधते हैं हमें। और कोकनीज़ में सहरा होता ही है मोस्टली, अभी अभी कम हो गया है बट होता है सहरा शादियों में। तो ये हमारे पहले के सब रिवाज है, बट अच्छे भी लगते हैं। और मेरा पहले से ड्रीम था कि मुझे वाइट ड्रेस में निकाह करना है, वो भी विदाउट मेकअप। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लुक भी हो गया था मेरा, और मेरे हिसाब से हो गया था सब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों को भी मैंने बहुत वेट कराया है वीडियो के लिए, तो बहुत टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था फ़िलहाल, तो फिर मैंने अभी कर दिया। बोली फाइनली बहुत लोग वेट कर रहे हैं, और पिछली सारी शादी की वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मुझे आप सजेस्ट करिए कि मैं नेक्स्ट कौन से ब्लॉग्स डालूँ। और ये है 5 सिर का लच्चा, मतलब 5 काली पोत बोलते हैं इसे, वो पहनाया जा रहा है यहाँ पे। हम कोकनी ब्राइड्स का इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही नूर आता है। व्हिडिओ कर को मत को बांधे ना मेरा बार सो है ना वो जल्दी पने रे फोटोग्राफर खाते गेलो बेटी।
और वो सब सहरा वगैरह होने के बाद फिर निकाह हो गया था और यहाँ पे सब लोग मिलने आ रहे थे और बहुत ही टफ टाइम था वो मेरे लिए। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ही सब कुछ चेंज हो गया था, मेरा जो मेरी जो पिछली लाइफ थी और जो मेरे पेरेंट्स थे, पूरा मेरी फैमिली थी, मुझे सबको मतलब सब कुछ पीछे छूट गया था। अब तो मैं जाती हूँ बस एक दो दिन के लिए, सबको मैं छोड़ छाड़ के यहाँ पे आई थी तो वो सब मुझे पूरा वहाँ पे ना उस टाइम जब मैं बैठी थी पूरा रिकैप हो रहा था मेरा बचपन से लेके अब तक का जो सब था और मुझे इतना बुरा लग रहा था उस टाइम। अंदर खुशी अलग होती है बट जो वो टाइम फील होता है बहुत ही ज़्यादा। और मेन बात मुझे मेरी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा टेंशन था क्यों बचपन से मैं और मम्मा हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहे। मेरी पापा फॉरेन में होते हैं काम के लिए, भाई बाहर होते हैं काम के लिए या जॉब के लिए, तो मैं और मम्मा घर में होते हैं तो बस हम बस एज अ बेस्ट फ्रेंड इतने अच्छे से रहते थे दोनों बेस्टीज़ की तरह। और अभी मम्मा बस अकेले घर में हो गए तो मुझे वो सोच के सबसे ज़्यादा फिक्र उनकी हो रही थी। और ये मेरे पापा थे और पापा से तो बॉन्ड ही अलग था, मतलब पापा को तो मैं छोड़ के जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मतलब फ्रेंड्स में अभी वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्लिप्स देख के, फिर से वो सब रिकैप हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था वो। बस फिर अल्लाह सब्र दे ही देता है और उसके बाद यहाँ दूल्हे की एंट्री हो गई थी और फिर मेरे चेहरे पर अलग ही स्माइल आ गई रोते रोते, फिर मैं हंसने लग गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दुआ करना आप सब हमारे लिए कि हम दोनों ऐसे ही हमेशा हंसते खेलते रहें, हम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, अल्लाह हमें बुरी नज़र से बचाए। प्लीज़ हम लोगों के लिए आप प्रे करना और ढेर सारे कमेंट्स करना, हमें बहुत सारा प्यार देना कमेंट्स में, प्लीज़ हम लोगों के लिए प्रे करना। और ये वाली फीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा लगती निकाह के बाद एक दूसरे को देखना, बहुत ही ज़्यादा अलग फीलिंग थी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और आप लोग भी मेरी फैमिली हो और आप लोग मेरे लिए दुआ करोगे ही, तो मैंने भी सोचा कि अपने जो हैप्पी मोमेंट्स है मेरे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है तो आपसे भी शेयर करूँ वो सारी मेमोरीज़, और आप भी इन्जॉय करो मेरी शादी को और मैं भी फिर से वीडियो देख देख के इन्जॉय करूँगी। उसके बाद फिर हमारा थोड़ा बहुत फोटोशूट हो गया था, फोटोग्राफर्स ने थोड़े फ़ोटोज़ लिए वाइट ड्रेस में, फिर हम दोनों भी चेंज करने के लिए चले गए थे अपने आउटफिट्स। मेरा आउटफिट इसके बाद वाला अलग था, रेड मरून था, और उनका भी अलग था। निकाह हम लोगों ने वाइट पे सोचा था तो निकाह हम लोगों ने वाइट पे किया।
बट मेरा मानना अब ये है, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि ये वाला मेरा डिसीजन अच्छा है एक हाल से, बट एक हाल से ये है कि गांव में शादी थी तो दूसरा ड्रेस आउटफिट चेंज करने में, रेडी होने में बहुत ज़्यादा देर लग गई, टाइम लग गई, और उतने में सारे गेस्ट चले गए, उस वजह से पूरा मूड हमारा ऑफ हो गया था। तो ये डिसीजन आप लोग अगर लोगे कि दो ड्रेसेस का, तो प्लीज़ सोच के लेना, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि ड्रेस चेंजिंग में टाइम लग जाता है, मेकअप में टाइम लग जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम हो गया था और फिर थोड़े गेस्ट भी चले गए थे, तो हमें भी बुरा लगा कि वो हमारे लिए आए थे। तो बाद में मैं मतलब थोड़ा मेरा भी मूड ऑफ हो गया था। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि शादी वाले दिन दो दो आउटफिट्स, तो प्लीज़ ध्यान में रखना कि ऐसे सब बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। अगर आपका निकाह मॉर्निंग में और रिसेप्शन आपका इवनिंग में है तो बेटर है, लेकिन सेम टाइम पे है, आपको एक घंटे का टाइम दिया जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो जो एक आउटफिट में निकाह होता है वही बेस्ट होता है। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे मेरे घर, और यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा था हम दोनों का, कपल फ़ोटोशूट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ही अच्छे से हो गया, पूरी शादी बहुत ही अच्छे से हो गई, और हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश है अभी एक साथ। आप लोग प्रे करना कि हम ऐसे ही खुश रहें, और सारे जितने भी मैरिड कपल्स हैं वो भी सब ऐसे ही हमेशा खुश रहें, और हर किसी को अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाले व्लॉग्स, शादी वाला व्लॉग, आप लोग मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि मैं अब कौन से व्लॉग्स बनाऊँ, कौन सा कंटेंट आपको देखना पसंद है, आपको कौन से रेसिपीज़ चाहिए, आपको कौन से प्रैंक्स चाहिए। आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप मुझे सजेस्ट कर ही सकते हो, और आप करोगे ही, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं कौन से व्लॉग्स बनाऊँ, और जो आप लोग कहोगे मैं ज़रूर, और जो कमेंट करेंगा मैं वीडियो में उनका ज़रूर नाम लूँगी कि आपने मुझे सजेस्ट किया था तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ मुझे कंटेंट्स बताना, तो आप बताओगे तो वीडियोस आते रहेंगे, और ऐसे ही प्यार देते रहना वीडियोज़ के लिए, हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपके फेस पर स्माइल लाते रहेंगे। उसके बाद फ़ोटोशूट करते करते शाम हो गई थी, फिर हमारी एंट्री हो रही थी हमारे घर, यानी मेरे घर, और वहाँ पे उनके जीजू की सालिया वेट कर रही थी दरवाज़ा पकड़े। तो अब जीजू तो कटने वाले हैं, तो आप देखो आगे की रस्म क्या होगी, यहाँ पे जीजू से पैसे लिए जाएंगे। सालिया तो हार मानने वाली नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा सालिया थी सारी। सालियाँ थी सारी और साले भी थे साथ साथ में, तो उनकी बोली लगना चालू हो गई थी, पूरा ऑक्शन चल रहा था, तो सब लोग बोलियाँ लगाते जा रहे थे, और मज़े ही आते हैं ये सब शादी में, तो आप लोग इन्जॉय करना। उसके बाद एक और रस्म है, फिर उसके बाद व्लॉग एंड हो जाएगा, और शादी भी एंड हो गई थी वो रस्म के बाद। अरे आज़ारत भाई जी,
10,000 देखो उधर जाके फ्लिप हो गई, एक 30-15,000 पूरा जीत नहीं रहे हुआ है। चलो उसके बाद फाइनली हमें घर में एंट्री मिल गई थी और यहाँ पे ये रस्म स्टार्ट होने वाली थी। मतलब ये रस्म होती है रिंग ढूंढने की, जो दूध में रिंग होती है वो ढूंढने की होती है, और जो रिंग ढूंढता है और जीतता है तो उसकी लाइफ टाइम हमेशा उसी की चलती है। तो अब देखते हैं कौन जीतता है रिंग और किसकी हमेशा चलेगी लाइफ टाइम। पहले से तो उतार दे पेन, और पेन तो जाता नहीं।